हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी भाई, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9.4 में अभी आपको सवाल नंबर 4 बताने वाले हैं। भाई सवाल में क्या कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी के ना आपको एन पदों का योगफल निकालना है। तो भाई देख लो, सवाल नंबर 4 में कौन सी श्रेणी है? 1/1 गुणे 2, 1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4। तो भाई देख लो, ऊपर कोई संख्या बदली नहीं है, ऊपर संख्या एक 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 ही लिखी हुई है, लेकिन नीचे बदलाव है। यहाँ 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, इस प्रकार से भाई बदलाव है। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना है एनवा पद। तो ऊपर तो कोई बदलाव है नहीं, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे ध्यान देना है। देखो 1, 2, 3, आगे 4, 5, इस प्रकार जाएगा ना। शुरुआत एक से हो गई है तो वो तो हो गया एन। अब जो दूसरा पद है वो देख लो, लगातार पहले वाले पद से एक ज्यादा है। देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, भाई एक ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? एन एन प्लस वन। ठीक है, तो हमारा ए एन क्या हो जाएगा? 1/n (n+1)। आप चाहो तो मान रख के देख लो, एन का मान एक रखो तो यहाँ एक, यहाँ दो आ जाएगा। दो रखोगे तो दो और यहाँ तीन आ जाएगा। तीन रखोगे तो यहाँ तीन और यहाँ चार आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक है कि भाई जो एन है वो इस बार बटे में लिखा हुआ है, जो हमारे एन है ना वो ऊपर ना होकर बटे में लिखे हुए हैं। तो अगर भाई बटे में लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा वाले सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर सिग्मा वाले सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते हो तो भाई इसे ना आपको हल करना पड़ेगा। अब देखो हल कैसे करते हैं। भाई हल करने का मतलब ये है कि ना इसकी आपको आंशिक भिन्ने करनी पड़ेंगी। देखो कैसे करते हैं। वैसे देखो ऊपर लिखा है 1, इसमें हमने n जोड़ा और n घटा दिया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। भाई ऊपर 1 लिखा था, हमने n जोड़ा और n घटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर अलग अलग करके लिखेंगे इस प्रकार से। देखना, -n (n+1)। देखो इन दोनों को अलग करके लिख दिया, उस वाली n को अलग करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ये चीज है इसका दूसरा रूप आपके सामने आ जाएगा। क्या आएगा? 1/(n-1)(n+1)। इसे कहते हैं आंशिक भिन्ने। ठीक है, इस प्रकार को हमने भाई क्या किया, दो अलग अलग पदों में विभाजित करके रख दिया। एन जोड़ा, एन घटाया, अलग अलग किया, काटा पीटा, और भाई ये चीज आपके सामने आ गई। अभी भी आप यहां सिग्मा का यूज नहीं कर सकते हो, तो हम सवाल को लगाएंगे कैसे? देखो ये आपका एन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी अगर आपको ना एसएन की वैल्यू निकालनी होती है तो भाई आप कैसे निकालते हो? सीधे निकालते हो इस प्रकार से, के बराबर 1 से लेकर एन, और यहां लिखते हो एके। यही तो होता है एसएन का मान। अगर आप इसका ना विस्तार कर दो सीधे तो यहाँ क्या आएगा? a1 + a2 + a3 डॉट 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 an। अर्थात k का मान 1 से लेकर n तक रखो, जो भी पद आए उनको जोड़ दो, आपको भाई sn का मान पता चल जाएगा। बस यही काम हमको यहाँ करना है। देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले आप a1 का मान निकालो, तो n का मान आपको यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो रखो, क्या आ जाएगा? 1/1 - 1/2। ध्यान देते रहना। अगर a2 निकालो तो 1/2 - 1/3। अगर आप निकालो a3 तो आ जाएगा 1/3 - 1/4। अगर आप निकालो a4 तो आ जाएगा 1/4 - 1/5। ऐसे ही आप डॉट 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 करते चले जाओ, और अगर आप n का मान n रख दो तो क्या आ जाएगा? 1/(n-1)(n+1)। जो यहां पे लिखा था वही चीज आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, इन सभी को ना जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देना है। देखो कैसे जोड़ोगे। अगर आप पहले पद को छोड़ दो, देखो ये चीज माइनस में लिखी है, वही चीज यहाँ प्लस में लिखी है, कैंसिल हो जाएगी। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 से अगला जो पद होगा वो 1/5 वाला कैंसिल हो जाएगा,
इस प्रकार से भाई क्या होगा, सभी पद कैंसिल होते रहेंगे और कोई ना कोई पद से ये वाला पद भी कैंसिल हो जाएगा, केवल पहला पद बचेगा और आखिरी वाला पद बचेगा। तो योगफल क्या आ जाएगा, 1/1 - 1/n+1, केवल पहला पद बचेगा और आखिरी वाला पद बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। आपको केवल यही हल करना है, एन प्लस वन आपको एलसीएम लेना है, यहां गुणा करनी है एन प्लस वन और माइनस वन, काट दो, आपका आंसर आ गया एन एन प्लस वन, और यही आपका एसएन है। तो जो सवाल बटे वाले होते हैं उनका तरीका ना काफी अलग होता है। आप एएन का मान तो वैसे ही निकालते हो जैसे भाई सामान्य तरीका है, पर उसे आपको हल करके इस प्रकार से लिखना होता है। फिर एसएन का भाई सूत्र लगाते हो, फिर A1, A2, A3, A4 सबके मान लिखने होते हैं और भाई सबको जोड़ना होता है। सवाल कुछ इस प्रकार से होता है कि पहला और आखिरी पद इसको छोड़कर हमेशा बीच के पद पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको पहला और आखिरी पद संभालना है और भाई जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, जो भी आप करोगे आपका आंसर मालूम हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है आपको बटे वाले सवालों में यूज करना है, ठीक है।